जी मोहम्मद स्वैब। और क्या करते हैं आप? जी बैटरी रिक्शा चलाते हैं। जी बहुत ज्यादा ही स्थिति है, पुल का खराब है, सड़क तो अब बन चुका है पर ये पुल जब भी इधर से निकलो या ट्रक व्रक आता है तो पूरा पुल हिलता है और गड्ढे इतने हैं कि हम लोगों को बैटरी रिक्शा पलटने का डर रहता है किसी दिन ये पुल हो सकता हो गिर जाए, क्योंकि हम लोग जब लेके जाते हैं सवारी को बैठा के तो कहीं रिक्शा इधर कहीं रिक्शा उधर, हम लोग बहुत संभाल के निकालते हैं। जी रेलिंग वगैरह बहुत से जगह पे ये सामने फटी हुई है और अभी जल्दी ट्रक गिरा था, रेलिंग फटा हुआ है और काफ़ी जगह पे रेलिंग फटा हुआ है और टूट गया है। जी स्टेशन है नीचे और बहुत बार तो लाइन के पास में भी गिर चुका है गाड़ी बहुत से, अभी जीप बहुत जल्दी ही गिरा था। संबंधित कार्यदायी संस्था बनाती है लेकिन बीच का जो हिस्सा रेलवे के ऊपर से गुजरता है वो रेलवे अथॉरिटीज बनाती हैं। ये बात संज्ञान में आई है तो हम संबंधित विभाग को यानी रेलवे के इंजीनियर से बात करेंगे कि इसमें जब सब जगह सड़कें दुरुस्त हो रही हैं, गड्ढा मुक्त हो रही हैं, इसको भी दुरुस्त करा दिया जाए।